देश में सड़कों का काम बड़ी तेजी से हो, लेकिन हम कुछ और ही तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर, जो झारखंड की राजधानी और टाटा नगरी को जोड़ती है। ये सड़क इतनी महत्वपूर्ण है, इस सड़क से 60,000 रोज होकर गुजरती है। ये सड़क बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की लोगों के लिए लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन बदहाल दुर्दशा और सरकारी उदासीनता की वजह से लोगों के लिए डेथ लाइन साबित हो रही है। लेकिन रांची से इधर आने में बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है, बढ़िया गाड़ी टाइम लग जा रहा है। कैसी है सड़क आप रांची से? सड़क तो बहुत तो ऐसे ही है, टूटी हुई है, आगे तो सही है, कितने बहुत ज़्यादा खड्डा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। बाकी प्रदेशों के मुकाबले कैसा है? हाँ, पंजाब में सही सड़क देता है, बाकी तो क्या थोड़ा यूपी में है ठीक, बाकी तो ऐसे ही है। जब इधर को आ जाते हैं बस इधर भी ऐसे ही है, टूटी हुई है, टाटा में भी, रांची में भी सब ऐसे ही है। प्रमोद कुमार यादव। तो अभी कैसी है सड़क? आप तो पूरा खत्म है, टाटा से रांची तक बहरागुड़ा तक कहानी खत्म। सड़क की बदहाली केवल एक दो सालों में नहीं हुई है, बल्कि इसकी बदहाली दशकों से है। जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इस सड़क को 2 लाइन से 4 लाइन में तब्दील होना था। इसका टेंडर प्रक्रिया भी हो गया और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। को देखते हुए रांची हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और NHAI को कोर्ट में तलब किया, लेकिन दोनों से संतुष्ट भरा जवाब जब कोर्ट को नहीं मिला तो कोर्ट ने CBI जाँच का आदेश दे दिया और केंद्र सरकार ने टेंडर पुराने टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर करके दूसरे एजेंसी को कार्य का आवंटन कर दिया है और एक नया कंप्लीशन करने का नया डेडलाइन भी फिक्स कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस नए डेडलाइन 2020 तक यह कार्य पूरा होता है कि नहीं। कैमरा मैन दीपाल चौधरी के साथ मैं शशि भूषण, NHAI जमशेदपुर।